रही है, शांत, बिल्कुल शांत एरिया। मेरे दिमाग एक सौभाग्य है कि मैं गांव से निकल के कभी सोचा ही नहीं था मैंने ऐसा कुछ। आवाज है ना, जो आवाज सुनाता हूँ मैं आपको। अरे नहीं नहीं, नाम भी लिख देते हैं, क्वैत में भी लिख दिया नाम अपने जिले। अभी मेरी माँ का, अगर मेरी माँ होती ना और उत्ते उतमरे नाच गए डुबेगा इसमें। ठीक है, इधर रोड चल रही है, नीले नीले गगन, नीला नीला पानी। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो ब्लॉग में। मैं आपका अपना पंकज कुमार चौधरी और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ मरीना बीच। वैसे तो मैं मरीना बीच पे हूँ, ठीक है, जो मेरे पीछे देख रहे हो आप एक समुद्र है, ठीक है, और नीले नीले गगन और नीला नीला पानी, ठीक है, दोनों ही मिक्स मिक्स हो रहे हैं। तो भाई अभी मैं मरीना बीच आ गया हूँ, ठीक है, तो कुछ नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। तो नियरली आपको यहाँ से सिटी से बैठोगे या सिटी नियरली जो बस स्टॉप पड़ेगा सालमिया, सालमिया बीच के नाम से बोलते हैं इसको, ठीक है, वैसे तो फेमस है मरीना बीच के नाम से, ठीक है। तो भाई कुछ इस प्रकार है नज़ारा, वहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, अभी हम लोग वॉकिंग स्टैंड वहाँ तक कवर करेंगे, कभी लगभग लगभग एक डेढ़ किलोमीटर, ठीक है, वहाँ से स्टार्टअप स्टार्ट हो जाएगा मरीना बीच। अभी ये सालमिया बीच चल रहा है, ठीक है, इधर रोड चल रही है, इधर रोड है, देख सकते हो आप गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, और दिस साइड इज़ वॉकिंग स्ट्रीट एंड दिस साइड इज़ सी, नीले नीले गगन, नीला नीला पानी। जैसे हमारे इंडिया में गोवा बीच होता है ना भाई, मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है, ठीक है, बीच पे। अब मैं एक्सपीरियंस तो करूँगा उस चीज़ को, ठीक है, बट जो एक खुशबू आ रही है ना, खुशबू, पानी वाली खुशबू आ रही है ना, जैसे पानी वाली खुशबू, कुछ अलग ही है यार। दो चार बड़े बड़े जहाज भी हैं, वो भी देख रहा हूँ मैं। तो दिस इज माई फर्स्ट टाइम विजिट इन बीच, तो जो पानी की स्मेलिंग होती है ना, पानी की खुशबू, खुशबू सी आ रही है, कुछ अलग ही है। और मल्टीनेशनल बिल्डिंग है, इधर रोड चल रही है, छोटे छोटे चिल्ड्रन पार्क है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ना कुछ गवर्नमेंट ने, वो सच अ ब्यूटीफुल, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, एक भी गंदगी नहीं मिलेगी, एक भी गंदगी, ठीक है, ये देखो, एक भी गंदगी नहीं मिलेगी, कितना क्लीन है। जबकि इधर इधर सी पॉइंट है, ठीक है, इधर नेशनल हाईवे है, ठीक है, और देखो छोटा सा पार्क है और एक ग्रीन पार्क छोटे छोटे बीच में बना रखे। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई गंदगी है या कुछ है, ठीक है, और आपको ये भी मिल जाएगा। यूज मी, ओके, आई यूज यू, ये देखो, शायद आपको दिख रहा होगा, जूम करके देखता हूँ, एक छोटू सा नहीं है, बहुत बड़ा सा शिप है वहाँ पे, शायद एक इधर है, ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये देखो, बहुत बड़ा शिप है वहाँ पे, क्वेट सिटी, वो जो आप देख रहे हो ना मल्टीनेशनल बिल्डिंग दिख रही है, वो क्वेट सिटी है, ठीक है, वो बड़ा सा शिप है, कंटेनर लेके जा रहा है। अब देखो एक अभी टाइम देख सकते हो आप, टाइम, ठीक है, और अभी ये विंटर टाइम चल रहा है तो अच्छी है। ये देखो एक जो चुम्बेश्वरी, चुम्बेश्वरी लोकेशन सोच रहा था ना मैं, जिसको चुम्बेश्वरी कह सकूं, वो चुम्बेश्वरी भरी लोकेशन है। समझ में नहीं आता कि इतना इतना प्यारा, प्यारी चीज़ मैं कैसे मिस कर रहा था यहाँ पे।
भाई जो भी कोई क्वैत विजिट कर रहा है प्लीज़ आए सालमिया बीच, सालमिया लास्ट बस स्टैंड मिलेगा ठीक है, वहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस करना पड़ेगा। अगर ये वाला मज़ा लेना है, ये वाला मज़ा लेना है ये वाला, तो आपको सालमिया बस स्टैंड वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस करना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर अगर ये मज़ा लेना है तो। अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आप बाई टैक्सी आ सकते हो जो आपको मरीना बीच के सामने उतार देगा ठीक है। और यहाँ पर फिशिंग चल रही है, फ़ोटो वगैरह चलती हैं। सच अ अमेजिंग प्लेस, इट्स टू क्लीन। एक चीज़ और बता देता हूँ, चीज़ ये है कि अनमैरिड कपल थोड़ा यहाँ अलाउ नहीं होते ठीक है। कुछ है यहाँ के लॉ जो सबको मान्य है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे आने वाला कोई भी हो ठीक है, यहाँ पे है ठीक है ठीक है। इफ़ यू वांट अ हग इन अ पब्लिक प्लेस इट्स नो अलाउ ठीक है। गो फॉर होम, ट्राई बेस्ट है हमारा। दिख रहा बीच बीच में ये जो प्लांटेशन कर रखी है ना, ये बहुत सही चीज़ कर रखी है भाई, इसमें मज़ा आता है। इसने चार चांद लगा दिए, सच बोल रहा हूँ, इसने चार चांद लगा दिए। मुझे नहीं पता गोवा का बीच कैसा है कैसा नहीं, मैं ट्राई करूँगा जाऊँगा ठीक है, बट एटलीस्ट एट द पॉइंट ये ग्रीन लैंड, ये वाटर लैंड, ये बिल्डिंग लैंड, बीच में रोड लैंड, क्या चाहिए भाई। और सब कुछ देखने के बाद अपन लैंड, और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए भाई बताओ भाई। एक चीज़ और, क्या इजी नहीं है इस तरह से कैमरा चला वगैरह ठीक है, बट इजी भी नहीं है ठीक है, ऐसा नहीं है कि इजी है कि ठाके मुँह ठाके बना लिया ये वगैरह, थोड़ा चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है ठीक है। आप किसी भी कंट्री में जाओगे, कंट्री छोड़ो, आप किसी के यहाँ पे भी जाओगे ना घर पे, तो उनके तौर तरीके से रहना पड़ता है, तो भैया हम भी उनके तौर तरीके से रहते हैं बस ठीक है। और बीच में एक ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा आपको ठीक है, जब आप कभी आओगे ना, एक रेस्टोरेंट है, मैं तो ट्राई नहीं किया क्योंकि पता है हमें हमारे ऊपर से जाएगा हमें पता है इतने की हमारी सैलरी नहीं होगी जितने का एक टाइम भैया खाना होगा, तो मैं तो अवॉइड कर चुका हूँ भाई, आप लोग करो मज़े लो ठीक है। हाँ एक टाइम आएगा जो हम करेंगे अफोर्ड, अभी नहीं। ये पार्किंग एरिया हो जाता है यहाँ पे पास में ठीक है, इस वाले होटल की मैं बात ही कर रहा था आपको, प्राइम होटल कुछ नाम ऐसा है इसका। और इसमें पार्किंग खड़ी है ठीक है, सबसे मस्त चीज़ साइकिलिंग वगैरह भी हो रही है। इतने में तो स्प्लेंडर आ जावे हमारे यहाँ, जितने में छोरा अपनी साइकिल ले जा रहा है, मोटे मोटे टायर है अपाची वाले। सो धीरे धीरे मैं बीच की ओर बढ़ता हुआ नज़ारा लेता हुआ। तो उस पल का इंतज़ार था जिस पल के इंतज़ार के लिए मैं तड़प रहा था ठीक है यार, आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं पहुँच गया हूँ उस चीज़ पर जिसका बेसब्री सा था इंतज़ार, सच बोलूँ ये वो रेत ठीक है, बस ठीक है ये वाला रेत था वो स्कॉला मरीना बीच। और कुछ इनके बच्चों के झूले वगैरह बना रखे हैं, कुछ ऐसा थोड़ा सा कुछ है, नहीं झूले हैं शायद झूला है, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद झूला है या कुछ इन्होंने अपना पुराना कुछ ऐसा बना रखा है हिस्ट्रिकल चीज़ कुछ ये ठीक है। इधर पार्क है, उधर सालमिया हाईवे चल रहा है और उधर सिटी वगैरह। मुझे समझ में ये नहीं आया कि लोग बाग गोवा 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 गाते हैं, गोवा चलो गोवा चलो, भाई गोवा करने क्या जाना है, ये रेत लेने, ये ऐसे पकड़ लिया घर भी नहीं आएगा, ये तो छूट गया, कुछ नहीं है यार बस रेत ही खाना है। सच में नज़ारा बड़ा अच्छा है, ऐसे मत कहो यार।
कितना क्लीन और पीसफुल एरिया है यहाँ तक, वहाँ तक जहाँ तक भी नज़र जा रही है ना आपकी, देखो शांत, बिल्कुल शांत, जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है शांत, बिल्कुल शांत एरिया है। चलो एक आइडिया है मेरे दिमाग में, वो लैला मजलू वाला नाम लिखते हैं ना, वो भी लिखने चलते हैं, समुद्र का पानी भी देखते हैं कैसा है। ये है मेरा एक सौभाग्य है खुद का, तो मेरे इतने अच्छे कर्म है, ठीक है, यहाँ से निकल के, गांव से निकल के मैं कुवैत जैसे इतने बड़े सिटी में आके और फिर बीच पे आके अपना नाम लिखूंगा, कभी सोचा ही नहीं था मैंने ऐसा कुछ। तो लेट्स ट्राई द फन, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं थोड़ा फन। आवाज़ है ना, जो आवाज़ सुनाता हूँ मैं, भैया पी लिख देता हूँ पी ना, भैया हमारा नाम तो धुल गया, शू निकालने पड़ेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। वेल दुर्लभ नजारा, सोचा नहीं था कि यार ऐसा कुछ होगा, बड़ी मस्त मस्त चीजें मिल रही घूमने के लिए, शूज निकाल देता हूँ, ठीक है, कुछ नया कुछ ट्राई करता हूँ। हमारे दिमाग में खुराबात तो यही है भाई, क्या करें, यूपी 20 जल्दी नहीं मिटेगा। देख रहे हो ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई शक्ति फेंक रही हो, आ जा चली जा, तो भाई ये वाला पॉइंट तो हो गया क्लियर, ठीक है, अब चलते हैं उधर, अब चलते हैं उधर, देखते हैं उधर क्या, ठीक है, बहुत मजा आ गया, कुछ चीज़ों में अलाउ नहीं है जाने के लिए, आगे शायद हम लोग ट्राई कर सकते हैं शायद, और उधर भी कुछ नहीं है यार, आगे हम लोग ट्राई कर सकते हैं, और उधर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ है खास, कुछ चीज़ें हैं जो जा नहीं सकते हम लोग, अलाउ नहीं है,
अगर मेरी माँ मेरे साथ होती तो बोलती उत्ते नाश करे डूबा इसमें तेरे पर तैरना भी ना आता, अब पंडित ने तुझे वैसे ही बता रखा पानी से दूर रहिए। अरे मेरी माँ पानी से दूर हूँ देख लो तुम, ये मुझे पता फिर तुम लोग गाओगी वीडियो देख रही यार मैं तू कर खेल या कूद या पानी में जा रहे समुंदर है इसमें कहाँ रहता भैया हमारी वहाँ चलती है पंडित के साथ। तो वीडियो करते हैं राम और उम्मीद है आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें ठीक है। और जो कोई भी चैनल पे नया विजिट आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और एक